हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम भारत के डिफेंस सेक्टर के एक ऐसे प्रोग्राम की चर्चा करने वाले हैं जिसने भारतीय डिफेंस सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन का काम किया है। यह प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने शुरू किया था, जिसका पर्पज मिसाइलों पर रिसर्च और उनका डेवलपमेंट करना था। इस प्रोग्राम को शुरू करने का सारा क्रेडिट भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को जाता है। यह बात 1980 के दशक की है, जब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी यानी कि DRDL ने सोवियत रॉकेटरी टेक्नोलॉजी के आधार पर मिसाइलों और रॉकेटों का प्रोपल्शन, नेविगेशन और इनकी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कैपेसिटी और एक्सपर्टीज तो हासिल कर ली थी। लेकिन यह सब काम अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों पर होता था और इन सब में बहुत ज़्यादा कॉस्ट का सामना करना पड़ता था। उस समय भारत के पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, रक्षा मंत्री R. वेंकटरमण और रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार VS अरुणाचलम ने यह निर्णय लिया कि इन सभी टेक्नोलॉजी को एकीकृत यानी कि एक साथ लाया जाए। इसी कारण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के साथ इस प्रोग्राम का जन्म हुआ और इस प्रोग्राम को नाम दिया गया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGMDP। 1983 में डॉक्टर कलाम सर को इस प्रोग्राम में शामिल किया गया था। सभी वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि भारत जैसे मिसाइलों का निर्माण कर रहा है वैसे ही करता रहे, वरना भारत का मिसाइल प्रोग्राम काफ़ी पीछे चला जाएगा। लेकिन रक्षा मंत्री R. वेंकटरमण के कहने पर डॉक्टर अब्दुल कलाम सर ने यह प्रोग्राम शुरू किया और इस प्रोग्राम के तहत एक साथ चलने वाली 5 परियोजनाओं का जन्म हुआ, जिनमें नंबर 1 है शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल पृथ्वी, नंबर 2 है लंबी दूरी की सरफेस टू सरफेस मिसाइल अग्नि, नंबर 3 है मध्यम दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश, नंबर 4 है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल त्रिशूल और नंबर 5 है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग। अग्नि मिसाइल की शुरुआत इस प्रोग्राम में एक री एंट्री व्हीकल के रूप में टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी और बाद में इसे बैलिस्टिक मिसाइल में अपग्रेड कर लिया गया था और इसकी टेस्टिंग करने के लिए ओडिशा के बालासोर में एक टेस्टिंग रेंज को डेवलप किया गया था। भारत द्वारा 1988 में पृथ्वी और 1989 में अग्नि मिसाइल की टेस्टिंग करने के बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजाइम यानी कि MTCR ने भारत को मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में मदद करने वाले सभी देशों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, जिसमें मेनली रशिया पर प्रतिबंध लगाए गए थे। MTCR को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस प्रोग्राम की टीम ने सब सिस्टम्स, कॉम्पोनेंट्स और सभी मटेरियल्स को भारत में ही बनाने के लिए DRDO की लेबोरेटरीज, इंडस्ट्रीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का एक यूनियन बनाने का फैसला किया। इस यूनियन ने MTCR द्वारा प्रतिबंधित किए गए सभी कॉम्पोनेंट को स्वदेशी रूप से तैयार कर लिया था। हालांकि MTCR के इस फैसले से इस प्रोग्राम में काफ़ी रुकावटें आई, लेकिन भारत कभी झुका नहीं और आज भारत का यह प्रोग्राम कई पावरफुल कंट्रीज को कड़ी टक्कर दे रहा है। दोस्तों, आने वाले वीडियोज में हम इस प्रोग्राम के तहत आने वाली सभी 5 परियोजनाओं को डीपली जानेंगे। हालांकि इन 5 में से एक पृथ्वी मिसाइल पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।